वेलकम टू जहान इन जापान व्लॉग्स नंबर 10। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, माउंट फ्यूजी। तो माउंट फ्यूजी के आसपास की कुछ जगहें जो मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मैं आज आपको वहाँ लेके आया हूँ। तो मैं टोटल में आपको तीन जगहें दिखाऊँगा, जिनमें से नंबर 1 जो होगी साइको अयाशी नो सातो नेम्बा। ये जगह जो है जापनीज ओल्ड होम जो होता है, ओल्ड कल्चर का जो गाँव होते थे वहाँ का है, और ये तकरीबन 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना, 1960s के अंदर जो है यहाँ पे बहुत किस्म का तूफ़ान आया था। तूफ़ान आने की वजह से जो है ये तबाह हो गया था, फिर तो वापस से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा स्पॉट जो है वो माउंट फ्यूजी का आइकॉनिक व्यू, जो कि टॉप व्यू पे है, जिसमें हमको लेडर में चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगी, दूसरा वो है। और तीसरा मैं आपको दिखाऊँगा ओइशी पार्क, जहाँ से हम जो है आएंगे और उसके बाद फिर हम टमाटो पिकिंग के लिए जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, थम्स अप कर लें, ताकि मेरी आगे जितने भी वीडियो हैं वो सब आपको मिल सके। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। जी अभी हम आए हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने एंट्री करी है, और यहाँ पर एंट्री करते ही यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ भुट्टे जो है वो लटक रहे हैं। और अभी हम आए हैं साइको अयाशी नो सातो नेम्बा में, और ये जो है जापान का 300 साल पुराना गांव है, जो कि अभी तक जो है वैलिड है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, घर भी जो है पुराने ज़माने के बने हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको टूर कराएँगे इसका, और फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ पुराने ज़माने की बनी हुई है। ऊपर सारा माउंटेन है और यहाँ पे जो बना। अभी हम वहाँ से चल के जो है यहाँ पे आ गए हैं, और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे जो है सब्जियाँ वगैरह बिक रही हैं। ये देखें, ये बैंगन बिक रहे हैं, एक पैकेट 150 का है, इसमें 2 हैं। मिर्चियाँ बिक रही हैं, करेले बिक रहे हैं, ये जो है पम्पकिंस वगैरह जो है यहाँ बिक रहे हैं, इनकी प्राइस लिखी हुई है। कोई बंदा नहीं खड़ा, आपको यहाँ ख़रीदना है, ख़रीदने के बाद जो है अपना यहाँ डब्बे में आपको डालना है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने का जो घर बना है ना, इसके ऊपर ये जो है लकड़ी नहीं है, ये जिससे बनाते थे ना घास फूस से, तो ये वो है। और ये इतना पुराना है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो काई जम चुकी है, और प्लांटेशन हो गई है। और यहाँ पे ये जो इनका श्राइन बना है, और श्राइन के अंदर अभी यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है, ये भी श्राइन है। तो ये थोड़ा सा व्यू है, और आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे जो भुट्टे उन्होंने लगाए हैं, ये हर घर में लगे हैं, ये ओरिजिनल है, ये लोकल नहीं है, ये ओरिजिनल है, इन्होंने इसको सुखाने के लिए यहाँ पर रखे हैं। अभी हम आगे भी चलते हैं, आपको दिखाएँगे आगे का व्यू। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था कि ये जो है लकड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये बम्बू जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है, और यहाँ इनसे इन्होंने इस रस्सियों से बांधा है। और ये जो लकड़ी आपको नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं ये प्योर नेचर से बनाया गया है, इसमें कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ वगैरह नहीं यूज़ की गई। और साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें आप खेल सकते हैं। तो अभी हम जो रेंटल की जो चीज़ देख रहे थे, मैं आपको बताना भूल गया कि रेंटल जो था, और यहाँ पे अगर आपको दिखा सकूँ तो ये जो है ये माउंट फ्यूजी है, और ये बादलों में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये माउंट फ्यूजी है। और अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, आपको और दिखाते हैं। पे नीचे आते वक्त हमने शॉप देखी जो है, और यहाँ पर ये अलग अलग सामान मिलता है, चप्पलें जो अपनी चप्पल वगैरह। और अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ तो ये लकड़ी से बनाए गए अच्छे अच्छे घर, और ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो लकड़ी का बना है, और वहाँ पे जो है वो उसका भूसे का बनाया है। तो ये अलग अलग घर बने हुए हैं। और अगर मैं यहाँ दिखा सकूँ आपको, तो ये जो है टोपियाँ वगैरह लाइट से बनाया गया हिरन, और ये जो है यहाँ की टोपियाँ वगैरह बनाई गई। मत 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 मत
前向いて、そこでいいよ。はい、そこでいいよ。止まれ。1、2、3、頑張れ。いいよ。取れました、取れました。手が邪魔。もうちゃんとチェックされてるよ。ゴतो जी अभी हम जो है नीचे से बंदर का डांस देख के ऊपर आए हैं और ऊपर आते ही हमें ये चीज़ नज़र आई, इरिगेशन कंट्रोल म्यूज़ियम साबू म्यूज़ियम। ये जो है 1966 में जो तबाही हुई थी यहाँ पे टाइफून के ज़रिए, साइक्लोन जो आया था, उसकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह यहाँ लगी हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा है कि जो मैंने कहा कि 1966 में जो टाइफून आया था जिसमें लोगों का नुकसान हुआ था वो है। और यहाँ पे जो अंदर जाएंगे तो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो तबाहियाँ हुई थी, लोग घर गिर गए थे, तबाही नुकसान वगैरह जो हुआ था, तो वहाँ की पिक्चर है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि टाइम कम है तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ और अभी हम आपको जो है वहाँ के भी एरिया दिखाते हैं। ये जो जगह है, इस जगह का नाम जो है साइको इयाशिनो सातो नेम्बा है जापनीज में। और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं कि हम जो है यहाँ से आने के बाद जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अगर आपको जापनीज स्टाइल में ड्रेस अप होना है तो आप यहाँ से रेंटल किमोनोज ले सकते हैं और आप भी इनकी तरह जो है वो बन सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये जो है इनके किमोनो टाइप रखे हैं, तो आप भी पुराने ज़माने के जो है समुराई या शोगुन की तरह जो है ड्रेस अप हो सकते हैं और कर सकते हैं। इनका ड्रेस अप रखा है सिस्टम, अगर आपको टोपी लगानी है, लोहे की है, अलग अलग किस्म की है, बाल लगाने हैं, तो ये सब पूरा सिस्टम लगा है। ये यहाँ का वापस से व्यू है, ऑल माउंटेंस, एवरीथिंग माउंटेन। और ये यहाँ का एक व्यू आपको देता चलूँ। तो जी अभी हम माउंट फ्यूजी व्यू के लिए ऊपर की तरफ आ चुके हैं और हम तकरीबन 10 मिनट से यही स्टेयर्स वॉक कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये पूरा जंगल है, वो हम नीचे से होके आए हैं, वहाँ का सिटी व्यू देख सकते हैं आप। और अभी हमको वापस से ऊपर जाना है, बहुत ही ज़्यादा अपना वॉकिंग है, वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हम जो है अभी देख सकते हैं कि 17 मिनट से वॉक कर रहे हैं और 137 कैलोरीज बर्न कर चुके हैं और अभी तक हम ऊपर चल रहे हैं। ऊपर चल के आपको उसका व्यू दिखाएंगे और फिर बताएंगे कैसा था। जी अभी हम जो ऊपर आए थे और मैंने आपको वहाँ का व्यू दिखाया था, तो अभी हम जो है यहाँ पे आ गए हैं। ये टॉप व्यू है और आपको वहाँ पे माउंट फ्यूजी दिखता है, लेकिन बादल होने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देख सकें, ये सब जो है यहाँ की आबादी लोग, और यहाँ का जो फेमस टेम्पल है ये वो है। और यहाँ पे जो हम जिस टूर के साथ आए हैं वहाँ पे लोग भी हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं टूर करने के लिए जो आए हैं, और हम यहाँ पे अभी जो है देख रहे हैं। तो मेरे साथ उम्मीद है कि आप लोग भी जो है इंजॉय कर रहे होंगे, आपको भी मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा होगा देख के। तो ये जो है सेकेंड जगह है, और फर्स्ट जगह जो है जो मैंने आपको दिखाई वो थी जो कि जापनीज़ ओल्ड विलेज था वो था। और अभी जो है अभी हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ का व्यू देख रहे हैं। और ये जो है यहाँ का व्यू, और ये जो है यहाँ का टेम्पल है।
ठीक है, तो अभी आपको और दिखाते हैं, लास्ट जगह रह गई है वो भी आपको दिखाएंगे और फिर आपको अपडेट। तो जी अभी हम आ गए हैं अपनी थर्ड जगह पे ओइशी पार्क के पीछे, और जो मेरे सामने आप बस देख रहे हैं ये बस है जिसके अंदर हम इस ट्रिप पर आए हैं। और आप जो देख सकते हैं जो उतरा है वो हमारा टूर गाइड था, और डिफरेंट नेशनलिटी के लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ इस टूर पे मौजूद थे। तो मेरे सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं कि बिल्कुल अच्छा व्यू है, पहाड़ हैं और ग्रीनरी और फूल लगे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ओइशी पार्क के पीछे का स्ट्रॉबेरी पिकिंग का स्पॉट है, और हम यहाँ पर अभी जाएँगे। और मैं अगर आपको राइट में दिखाऊं तो यहाँ पे लोगों ने फार्मिंग कर रखी है, लोग यहाँ पे जो है फार्मिंग करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। और इसी के पीछे जो है माउंटेन है, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फसल लगी है, चावल की फसल लगी है, राइस। और इसके अलावा जो है वही मैंने आपको जो पहले बताया था कि अभी हम अंदर जाएंगे, तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप जो है 360 व्यू इस जगह का देख सकते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जो है वो टमाटो पिकिंग है, और लेफ्ट साइड पे फार्मिंग है, और आगे यहाँ पे जो है राइस कल्टीवेशन हुई हुई है। तो चलें अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और क्या कर रहे हैं आप? आज आया हूँ टमाटो फार्म, ये देखो मेरा फार्म है, ये इसमें बहुत सारे टमाटर ना, अलग अलग किस्म के टमाटर है 16। तो यहाँ पे अभी देखो मैं अभी एक टमाटर ढूंढता हूँ। तो ये रजा ने भाई फ्रेश टमाटर निकाला है, कच्चा है। अभी देखें आप, इसने टमाटर निकाला है फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल रेड है। साफ किया उसने, कचरा हटाया। हाँ ये लिया मुँह में गया। कैसा लगा टमाटर खा गया? अच्छा है, फ्री टमाटर खाओ जितना चाहे खाओ। ये अच्छा भाई टमाटर फार्म है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे भी टमाटर हैं, ये बड़े होंगे लेकिन जितना छोटा है उतना मज़ेदार लग रहा है मुझे तो। तीसरी जगह पे, और ये है ओइशी पार्क के बिल्कुल पीछे, और यहाँ पे हम आए हैं टमाटर खाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे टमाटर लगे हुए। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने ये टमाटर तोड़ा है, और इसको मैं साफ़ करूँगा, और इसको मैंने इसे साफ़ किया, और साफ़ करके मैं खा गया। तो अभी बहुत सारे टमाटर लगे हैं, कितने भी खा सकते हो आप। ये सब टमाटर के पौधे हैं, जो लाल है वो आप खा सकते हो। तो हम एंजॉय कर रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, माउंट फ्यूजी देख रहे हैं। तो आएँ हमारे साथ, हम आपको जो है और टमाटर दिखाते हैं खा के। जैसे कि ये लाल नज़र आया मुझे, मैंने इसको साफ़ किया और वापस से खा लिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।